कैसे हैं मिश्रा जी? कट रही है सर। अरे आपकी साइड का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो दो दिन पहले होना चाहिए था ना। क्या बताऊं सर, मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मुसीबतों का जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? सब ठीक है ना सर? साइट पर लेमिनेशन का काम बहुत ज्यादा है, और एक लेमिनेट को चिपकाने और एडेसिव को सूखने में 4 घंटे लगते हैं, इसके कारण मेरा बाकी का काम सब रुक जाता है। बस इतनी सी बात? अरे आपकी समस्या का हल है फेविकॉल हीटेक्स, ये आसानी से चिपकता है, इसकी वजह से आपके 4 घंटे का काम सिर्फ 1/2 घंटे में पूरा हो जाता है, यानी कि लेबर और समय दोनों बचाता है। पर सर मैंने देखा है और कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि रबर ग्लू गर्मी में जोर छोड़ देता है और लेमिनेट डीबॉन्ड हो जाता है। और सर ये तो किचन का काम है, गर्मी बढ़ेगी तो ये उखड़ने लगेगा। नहीं 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 नहीं, ये बात सच नहीं है। फेविकॉल हीटेक्स एक आधुनिक तकनीक से बना एडेसिव है जो कि तेज गर्मी में भी अपना जोड़ बनाए रखता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हीटेक्स अन्य रबर एडेसिव के मुकाबले एक बेहतर है। इस्त्री परीक्षा के लिए हमें चाहिए कमर्शियल प्लाई 12 mm, 1 फीट बाय 1 फीट के 2 टुकड़े, लैमिनेट 1 mm, 1 फीट बाय 1 फीट के 2 टुकड़े सफेद और पीले रंग में, 1200 वॉट की एक इस्त्री, फेविकॉल हीटेक्स और साधारण एडेसिव। पहले इस्त्री टेस्ट की तैयारी। फेविकॉल हीटेक्स को अच्छी तरह से हिलाएं, फिर पैक पे दिए गए निर्देशों के अनुसार प्लाईवुड और पीले लैमिनेट पर एक दिशा में लगाएं। 8 से 10 मिनट तक एडेसिव को सूखने दें और फिर प्लाईवुड और लैमिनेट को जोड़ दें। कपड़े से बॉन्डेड पैनल पर दबाव लगाइए ताकि लैमिनेट प्लाईवुड पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। इसी तरह साधारण ग्लू को दोनों प्लाईवुड और सफेद लैमिनेट पर लगाएं। कपड़े से बॉन्डेड पैनल पर दबाव लगाइए ताकि लैमिनेट प्लाईवुड पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब दोनों पैनल्स को 48 घंटे तक सूखने दें। अब रुंदे से सारे कोनों को सफाई से काट लें और पैनल को 6x2 इंच के छोटे टुकड़ों में काट लें। अब पीले पैनल पर फेविकॉल हीटेक्स मार्क कर लें और सफेद पैनल पर अन्य एडेसिव मार्क करें। इस्त्री टेस्ट का आयोजन। 1200 वॉट की इस्त्री लें, उसे मैक्सिमम मोड पे सिलेक्ट करके 2 से 3 मिनट तक गर्म होने दें। उसके बाद गर्म इस्त्री को दोनों हीटेक्स और अन्य एडेसिव वाले लैमिनेटेड पैनल पर रख दें। 2 से 4 मिनट रुक के आप देखेंगे कि अन्य रबर ग्लू वाला पैनल गर्मी के संपर्क में आते ही अपना जोड़ छोड़ने लगता है, पर हीटेक्स वाला पैनल गर्मी के संपर्क में भी अपना जोड़ मजबूती से बनाए रखता है। वाह वाकई, ये तो तेज गर्मी में भी नहीं निकलता है और अपना जोड़ बनाए रखता है। अब तो मान गए ना मिश्रा जी, हीटेक्स मार्केट में मिलने वाले अन्य रबर एडेसिव से बेहतर और एक नई तकनीक से युक्त एक खास एडेसिव है। मान गए सर जी, अब मैं अपने सारे लेमिनेट के काम फेविकॉल हीटेक्स से ही करूंगा, जिससे आपका काम समय पर होगा और गर्मी में डी बॉन्डिंग की समस्या भी नहीं होगी। तो हुआ ना फेविकॉल हीटेक्स आपकी सारी समस्याओं का हल। बिल्कुल, गर्मी में भी मजबूत रहने वाला फेविकॉल हीटेक्स, लैमिनेट का एक्सपर्ट।